मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजीव रंजन जी से और नीति जी से कि एक मोमेंटो देकर श्री टंडन का स्वागत करें। सर इधर इधर रामलीला समिति के उनके सिन्हा जी उनकी टंडन जी यहाँ पर आए हुए भाइयों और बहनों, मैं कल से ये छठी रामलीला है जहाँ मैं गाया हूँ। कल मैंने लव कुश से शुरुआत की थी, श्री धार्मिक रामलीला कमेटी में गया था, लेकिन मैंने आते ही यहाँ पर मुकेश सिन्हा जी से कहा इतना व्यवस्थित इतनी अच्छी रामलीला यहाँ पर हो रही है, इतना व्यवस्थित मैंने कहीं देखा नहीं। ऐसे भी द्वारिका में हर राज्य के लोग रहते हैं और यहाँ पर सिन्हा जी बहुत लोगों से जुड़े हुए। तो मैं जब बचपन में रामलीला देखने जाता था और बीच में कोई नेता आकर बोलता था तो मैं क्या क्या सोचता था वो अभी मैं सोच रहा हूँ आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन कई बार लोग मंच का दुरुपयोग करते, ऊपर वाले का शुक्र है कि मुझे तो मौका मिलता ही है टेलीविजन पर रहने का, इसलिए मैं कोई दुरुपयोग नहीं करूँगा। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि रामलीला का मंचन सिर्फ कोई देखने के लिए नहीं आता बल्कि इसको व्यक्तित्व में उतारना भी चाहिए। यहाँ मर्यादाएं सिखाई जाती हैं, मर्यादाएं बताई जाती हैं, आजकल मर्यादाएं टूट रही हैं। तो आज के दौर में रामलीला का मंचन समाज के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बहुत सारी मर्यादा स्थापित की और वो चाहते तो एक तीर से ही बिना गए हुए उनका तीर रावण की नाभि में पहुंच जाता, लेकिन उन्होंने पूरी मर्यादा स्थापित, कैसे जाना, किन का सहयोग लेना, और वो मर्यादा समाज के लिए आईना बने इसलिए उन्होंने स्थापित। उसको सीखना है, बोलना आसान है लेकिन उसके ऊपर चलना मुश्किल है। तो हम मुकेश जी का आभार व्यक्त करेंगे कि आपने हम सबको बुलाया और मैंने हम सब की तरफ से बोला है, कहीं जो दर्शक है उनको ये नहीं लगे इतने लोग अब बोलने वाले। तो मैं चंदन साहब आपके बिहाफ पर भी कह रहा हूँ ताकि लोग रामलीला का मंचन देख सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जैसे आज द्वारका रामलीला महोत्सव में आए जो मुकेश जी और पाल जी करते हैं, तो आपने यहाँ के मंच पे भी देखा थोड़ा प्रोग्राम, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर? नहीं, बहुत अच्छा है, रामलीला का मंचन होता है और हम सब इसको देखने आते हैं। हमें बहुत खुशी हुई यहाँ आकर, क्योंकि यहाँ मेला भी अच्छा है, रामलीला भी व्यवस्थित है, तो मैं इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। रजनीश जी, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बड़े अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं द्वारका रामलीला महोत्सव में, और ये जिम्मेदारी आपको दी गई है आपके जी, तो थोड़ा बताऊंगे आप लोगों ने इतना अच्छा यहाँ पे वो बनाया हुआ है, जो यहाँ लोग आते हैं बड़े खुश हैं, हर चीज़ की उनको सुविधा मिल रही, खाने से लेके झूला रामलीला हर चीज़ का यहाँ पे फैसिलिटी है। और जैसे हमने गेट पे देखा, गेट पे सिक्योरिटी गार्ड है और दिल्ली पुलिस की भी बड़ी अच्छी यहाँ पे टीम लगी हुई है जो कि ग्राउंड के अंदर घूमती रहती है, तो आप लोगों ने ये कैसे मैनेज किया? सबसे पहले तो मैं इस रामलीला कमेटी, द्वारका रामलीला कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री मुकेश सिन्हा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और हमें इस पूरी जिम्मेदारी को दिया, और हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको अच्छे से निभा सकें। इस बार हमने बहुत ही सुंदर करके ये मेला सजाया है, इसके अंदर करीब 150 के लगभग हम लोग स्टॉल्स लेकर आए हैं, जिसके अंदर पूरे भारतवर्ष से प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, जिसके अंदर आपको जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट मिलेगा,
और आसाम का बैम्बू फर्नीचर मिलेगा, सहारनपुर का फर्नीचर मिलेगा, भदोही के कारपेट्स मिलेंगे एक ही छत के नीचे। इसके अलावा ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स है और भी विभिन्न तरह की चीज़ें जो मोस्टली किचनवेयर एक्सेसरीज़ हैं जो मार्केट में नहीं मिलती। ये हमारा प्रयास है कि रामलीला महोत्सव के साथ साथ हम लोग एक भव्य प्रदर्शनी और व्यापार मेले का भी आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं और हमारा प्रयास बहुत अच्छा चल रहा है। दिल्ली की जनता को, द्वारका की जनता को ये काफ़ी पसंद आ रहा है। और इसके अलावा हमने लोगों की सुविधा के लिए खाने पीने के व्यंजनों का विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखा है। यहाँ पर हमने बिहार का लिट्टी चोखा, गुजरात का ढोकला, गुजरात की खाना, राजस्थानी खाना, पंजाबी ढाबा और सब तरह के जो व्यंजन हैं वो हमने यहाँ पर व्यवस्था करके रखी है। इसके अलावा दिल्ली का जो है दाल नान और ये सब चीज़ें भी हमने यहाँ पर व्यवस्था की है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस का भी हमें यहाँ पर पूरा सहयोग मिल रहा है, इसके लिए मैं दिल्ली पुलिस को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सुविधा दे सकें। हम आए हैं द्वारका के दशहरा ग्राउंड में, जहाँ पे द्वारका रामलीला महोत्सव हो रही है और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो झूले लगे हुए हैं कैसे कैसे झूले लगे हुए हैं। और छोटे बच्चों के लिए जो मिक्की माउस भी लगा हुआ है यहाँ पे, और बच्चों के लिए अलग से भी झूले, छोटे झूले भी है, बड़े झूले भी है। आपको बताते हैं दिल्ली पुलिस की भी बड़ी अच्छी सुविधा है, जगह जगह दिल्ली पुलिस ने अपने होर्डिंग लगा रखे हैं हेल्पलाइन के लिए। और जो यहाँ पे द्वारका रामलीला महोत्सव है उन्होंने अपनी सिक्योरिटी भी बड़ी अच्छी, जैसे एंट्री गेट है, हर एंट्री गेट पे अपने बंदे बैठा रखे और कोई भी अंदर बाहर जाता है तो सबकी मशीन से चेक इन होती है। ये मशीन लगा रहा साइड में आ जाओ। संजय सैनी जी, जी जी, जो यहाँ पे रामलीला प्रोग्राम हो रहा, आप लोगों की टीम है जी, इसमें जो स्टार्टिंग में कितने दिन पहले वो करते हो आप, इसकी तैयारी करते हो जी, और जैसे म्यूजिक का भी, लाइट का भी, सभी आपका ही है? हाँ जी। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगे जी। जरूर, हम लोग रामलीला की तैयारी करीब करीब 3 महीने पहले अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर हमारे सभी बालक, पूरी टीम एक परिवार की तरह जुटती है और ये सारे सिस्टम को मैनेज इसी तरीके से करते हैं जैसे हम अपने घर के परिवार को लेके चलते हैं। थोड़ी सी होता है कि किसी को समझाने में, किसी को समझने में थोड़ी बहुत देर लगती है, किंतु परिणाम सबके सामने आते हैं और बड़ा सफलतम निर्देशन यहाँ पे चल रहा है। हम लोग तीनों भाई मिलकर के, राजीव गुप्ता, मनोज अग्रवाल, संजय सैनी, तीनों भाई मिलकर के अपनी टीम को सकुशल आगे ले जा रहे हैं। और जो मुकेश सिन्हा जी का प्रयास है कि घर घर तक राम जी के चरित्र को पहुँचाया जाए, उसको चरितार्थ करने में हम लोग सहयोग दे रहे हैं। थोड़ा नीचे का ले लेते हैं।